आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है, तांबे का एक तार जिसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर तथा प्रतिरोध 2 किलो ओम है, एक 40 वोल्ट के संबरण से जोड़ दिया गया है। तार ज्ञात कीजिए, तार का धारा घनत्व। ठीक है, तो प्रश्न में हमें तार का धारा घनत्व की गणना करनी है, जबकि प्रश्न में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक तांबे का तार है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई PQ जो है, ये हमारा एक तांबे का तार है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, 40 वोल्ट के संबरण से जोड़ दिया है। हमने इसको 40 वोल्ट के, यहाँ से हमने मान लिया कि इसमें 40 वोल्ट का संबरण का मतलब यह है कि हमने एक 40 वोल्ट की इसकी बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसमें प्रवाहित धारा अगर हम I मान लें, जब इसको हमने 40 वोल्ट के यहाँ से संबरण से जोड़ा हुआ है और इसकी त्रिज्या हमें यहाँ से दी गई है R=, हमें दिया गया है 1 मिलीमीटर की त्रिज्या है, तो अगर इसको मीटर में लिखें तो हो जाएगा 1×10^-3 और ये हमारी आ जाएगी मीटर में। ठीक है, और यहाँ से हमें इसके लिए प्रतिरोध भी दिया गया है कि तार का जो हमारा प्रतिरोध है वो हमारा 2 किलो ओम है, मतलब कि 2×10^3 ओम का है। हमें यहाँ से प्रश्न में धारा घनत्व, तो मतलब कि जे की गणना करनी है। तो अगर यहाँ से हम बात करें धारा घनत्व तो जे की, तो धारा घनत्व तो जो हमारा जे होता है वो हमारा अनुपात होता है प्रवाहित धारा तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है ए। ठीक है, तो प्रवाहित धारा की अगर हम बात करें तो धारा जो हमारी प्रवाहित हो रही है वो हमें प्रश्न में ज्ञात करनी पड़ेगी, चूंकि यहाँ से प्रश्न में हमें नहीं दी गई है। तो यहाँ से प्रवाहित धारा के लिए हम क्या करते हैं, ओम का नियम लगाते हैं। ओम के नियम से प्रवाहित धारा I=, हमारा होता है V/R। V हमें पता है कि हमारे 40 वोल्ट के संबरण से जोड़ा हुआ है और प्रतिरोध भी हमें पता है कि 2×10^3 है। ठीक है, तो यहाँ से प्रवाहित जो धारा है वो हमारी निकल के आ जाती है 2×10^-2 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें प्रवाहित धारा जो है हमारी वो निकल के आ गई है 2×10^-2 एम्पियर की। अब हम ये मान समीकरण में रखते हैं तो J=, हमारा हो जाएगा 2×10^-2 और बटे में हमारा क्षेत्रफल है तो πr² हो जाएगा, तो πr हमारा हो जाएगा त्रिज्या जो हमें दी गई है 1×10^-3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको हल करते हैं तो हमारा जो जे का मान है वो यहाँ से निकल के आ जाता है 6.37×10^3 एम्पियर/m². ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये जो धारा घनत्व है वो निकल के आ गया है कि 6.37×10^3 एम्पियर/m² का हमारा धारा घनत्व होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।